कल करके देखा कोई क्वेश्चन क्वेश्चन घर पे जाके। चलो तो ठीक है, क्वेश्चन लिखो। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ टू इन इट्स 64 ग्राम। कितने मोल्स? टू। उसने कहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ टू। अगर वो कहता नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ कितने हो जाते, समझ गए ना। अब एक क्वेश्चन और लिखिए, फाइंड इन, भाई किसी को कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो मैं बता सकता हूँ बेटा इसको। सबको समझ में आ गया? देखो कैसे होगा, ओ टू का मोलिकुलर मास कितना होता है, कितना हो जाएगा 32 ग्राम का, क्या हो जाएगा बेटा इसका एक मोल, क्या हो जाएगा इसका 32 ग्राम का एक मोल। उसने कहा कितना है 64 ग्राम, क्या है गिवन वेट, 32 क्या है मोलिकुलर वेट, कितना आ गया। ठीक है, अगर O2 की बजाय वो O की बात करता तो O का मोलिकुलर वेट या सॉरी एटॉमिक वेट कितना होगा 16 ग्राम। अब अगर आप मोल्स निकालते हो 64 ग्राम में तो क्या आ जाएगा, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट एटॉमिक वेट कितना आ जाएगा 4 मोल। ठीक है, क्वेश्चन में देख लेना कि वो O की बात कर रहा, O2 की बात कर रहा या O3 भी हो सकता है ओजोन। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड इन 98 ग्राम ऑफ H2SO4, फाइंड इन 98 ग्राम ऑफ H2SO4। भाई साहब पहले क्वेश्चन तो लिख लो पूरा, इसका पहला पार्ट लिखिए मोल्स ऑफ H2SO4, मोल्स ऑफ H2SO4। ठीक है, वेरी गुड, वन मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए इसमें मोल्स ऑफ सल्फर एटम, मोल्स ऑफ सल्फर एटम। अब आंसर नहीं आया किसी का, वन मोल, वन मोल है भैया। नेक्स्ट लिखिए नंबर ऑफ सल्फर एटम, मान गए भाई साहब, तो ये तो क्लास से बाहर छोड़ गाना पड़ेगा, तू नहीं ओन देने का कुछ, सही बता दिया उसने। क्वेश्चन है ना नंबर ऑफ सल्फर एटम, हमने निकाला गया तो कितने मोल, एक मोल था सल्फर एटम का, और किसी का भी अगर एक मोल होता है तो कितने एटम्स होंगे उसके अंदर, 6.022 × 10⁻²³ एवोगैड्रो। नेक्स्ट लिखिए मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, कितने कितने बेटा, टू मोल्स। अब उसका फॉर्मूला देखो बेटा, फॉर्मूले के अंदर देखिए कौन सा एटम कितना है, H2SO4 कितने हाइड्रोजन है, दो। उसने हाइड्रोजन एटम की बात करी, ठीक है, तो कितने हाइड्रोजन एटम है, दो। इसी में अगर वो लिखता मोल्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल, लिख लो सभी, मोल्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल, कितना, वन। नेक्स्ट लिखिए मास ऑफ सल्फर एटम, मास ऑफ सल्फर एटम 32 ग्राम, क्योंकि 98 ग्राम टोटल है ना, तो उसमें सल्फर का कितना ग्राम कंट्रीब्यूशन है। अगर वो पूछता मोल्स, एक मोल 32 ग्राम का एक मोल हो जाएगा। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, मोल्स फोर, ठीक है, ऑक्सीजन एटम। अगर वो कहता ऑक्सीजन या O2 मॉलिक्यूल, कितने मोल्स, टू मोल। ठीक है, अब इसको एक बार बोर्ड पे करके दिखा दूं मैं, उसने कहा बेटा 98 ग्राम H2SO4,
यही तो कहा। इसमें देखिए हाइड्रोजन कितना है, वन मल्टीप्लाई टू प्लस। सल्फर कितना बेटा, 32 प्लस। ऑक्सीजन कितना है, 16 × 4। तभी तो जाके क्या हो जाएगा, 98 ग्राम हो जाएगा ना। ठीक है, तो सल्फर का कितना कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे, 32 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना कंट्रीब्यूशन है, 16 × 4 64 ग्राम। और हाइड्रोजन का कितना कंट्रीब्यूशन है, 2 ग्राम। ठीक है, उसने पहला क्वेश्चन क्या पूछा, मोल्स ऑफ H2SO4। तो H2SO4 का अगर आप मॉलिकुलर मास निकालोगे तो कितना आएगा, 98 आएगा। आएगा नहीं आएगा भाई, सबको जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 98 आएगा। उसने गिवन कितना किया, 98 ग्राम। तो गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, गिवन वेट कितना है, 98 ग्राम। मॉलिकुलर वेट कितना है इसका, 98 आया। तो कितना आ जाएगा मोल्स, 1 मोल। तो H2SO4 के कितने मोल, 1 मोल। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मोल्स ऑफ सल्फर एटम। सल्फर का कितना वेट है यहाँ पे, 32 ग्राम। अगर आप सल्फर का एटॉमिक वेट की बात करोगे वो कितना होता है, 32 ही होता है। यहाँ पे भी कितना है उसका, 32 है। तो 32 अपॉन 32 कितना आ जाएगा, उसका भी 1 मोल। हाइड्रोजन के कितने, H2 1 मोल। और अगर कहता हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम कितने हैं यहाँ पे, 2। तो कितने हो जाते, 2 मोल। ऑक्सीजन एटम की अगर बात करेगा तो कितने बेटा, 4। कितने हो जाएंगे, 4 मोल। और अगर O2 की बात करेगा तो कितने हो जाएंगे, 2 मोल। अगर वो 98 ग्राम की बजाय वो कहता 196 ग्राम ऑफ H2SO4, अगर 98 ग्राम की बजाय वो बोलता कि 196 ग्राम H2SO4, तो इस बार कितने मोल H2SO4 के, 2 मोल। सल्फर के कितने मोल है इसके अंदर, 2 मोल। समझ रहे ना, वहां पे 98 था तो कितना था, 1 मोल। यहाँ पे 196 है तो सल्फर के भी कितने मोल हो जाएंगे, 2 मोल हो जाएंगे, क्योंकि H2SO4 के 2 मोल है। हाइड्रोजन एटम के कितने मोल हो जाएंगे इसमें, 4, क्योंकि कितना है, 2 मोल है ना। तो 2 के अंदर कितने हो जाएंगे, H2H 4 हो जाएंगे। ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। समझ गए आप, का इसमें काफी रोल है मोलैरिटी में, इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किया। ये क्वेश्चन, इफ 120 ग्राम यूरिया, इफ 120 ग्राम यूरिया इज डिजोल्व इन 1000 ग्राम वाटर, वन ट्वेंटी ग्राम यूरिया डिजोल्व इन 1000 ग्राम वाटर, फाइंड करना है आपको मोलैरिटी, कैपिटल एम फाइंड आउट करना है। और उसने डेंसिटी दे दिया, सोल्यूशन का डेंसिटी दे दिया 1.12 ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.12 ग्राम पर ml। मोलैरिटी निकालनी है बच्चों। कोई बात नहीं यार, कोई बात कोई नहीं रहने। निकला मोलैरिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं, आपको रिवाइज हो जाएगा। गिवन वेट अपॉन मोलर वेट इनटू 1000 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है, तो सॉल्यूशन तो अभी बना ही नहीं है, सॉल्यूशन तो मिक्स करने के बाद बनेगा। क्या क्या मिक्स करना है, ये सॉल्यूट है बेटा, क्या है ये, और ये क्या है, इन दोनों को मिला दूंगा तो टोटल कितना हो जाएगा सॉल्यूशन, इतना हो जाएगा क्या, हो जाएगा ये, क्या हो गया बेटा, सॉल्यूशन हो गया। ये क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन का, डेंसिटी। ये क्या है मेरे पास, सॉल्यूशन का वेट।
लेकिन यहां पर रखना क्या है सॉल्यूशन का, वॉल्यूम क्या रखना है, तो इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, मास बाय डेंसिटी। मास कितना है 1120, डेंसिटी कितनी है 1.12। ये क्या आ गया, ये वॉल्यूम आ गया एमएल में, आ गया वॉल्यूम। और फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लो, गिवन वेट कितना बेटा 120, मोलर वेट कितना होता है यूरिया का 60 इंटू 1120 अपॉन 1. क्या आ जाएगा, मोलरिटी आ जाएगा, कितना भी है, ठीक है। समझिए डेंसिटी का कैसे यूज करना है भैया। पहले ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि मुझे कहाँ सॉल्यूशन रखना है, कहाँ पे सॉल्वेंट रखना है, कहाँ पे सॉल्यूट रखना है। डेंसिटी अगर है तो कहाँ पे उसका यूज होगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन में आपको दे देगा डेंसिटी, और बाद में पता लगेगा कि डेंसिटी का कहीं कोई यूज ही नहीं था। ऐसा जरूरी नहीं होता कि क्वेश्चन में जो चीज़ दे रखी हो सभी चीज़ यूज़ की हैं। आपको अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जो चीज़ आपको चाहिए आप उसी का यूज़ करोगे, बाकी जो नहीं चाहिए। हाँ बोलिए बेटे, 1000 ग्राम उसने कहा वाटर, बिल्कुल। अरे भाई साहब, 1000 ग्राम तो आपने वाटर ले लिया, और उसके अंदर जो आपने सोल्यूट ऐड करा, कितना ऐड किया सोल्यूट 120, तो टोटल सॉल्यूशन तो अभी बनेगा ना। 1000 ग्राम जो उसने डिसॉल्व किया वो क्या है, वो सॉल्वेंट है, वो सॉल्यूशन थोड़ा ही है। उसने कहा 1000 ग्राम वाटर लिया और उसके अंदर कितना 120 ग्राम यूरिया ऐड किया। जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तभी तो सॉल्यूशन तैयार होगा। जो उसने डेंसिटी दिया है वो सॉल्वेंट का नहीं दिया, वो वाटर का डेंसिटी नहीं दिया, वो डेंसिटी किसका दिया, सॉल्यूशन का। और वो सॉल्यूशन कब बनेगा, जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर लोगे। समझ में आ रही, कुछ कंफ्यूजन है बेटा? अभी यहाँ पे हमें रखना है सॉल्यूशन, ठीक है। और अब मुझे दिया गया, मुझे दिया वाटर मतलब सॉल्वेंट, और दिया गया यूरिया मतलब सॉल्यूट। जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो नेट जो टोटल वेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो इतना हो जाएगा। अभी वेट किसका आ गया, सॉल्वेंट का, सॉरी सॉल्यूशन का वेट। और मुझे रखना क्या है यहाँ पे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तब डेंसिटी का यूज करना है। क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट। भारी भारी क्वेश्चन दे दे थोड़ा। देखिए, फाइंड मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, फाइंड मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। बस ये कैसा क्वेश्चन हुआ सर, ये कैसा क्वेश्चन। उसमें लिख लो डेंसिटी कितना बताया था भाई साहब ने, 1 ग्राम पर ml, ठीक है। लिख लो साथ में डेंसिटी दिया है ब्रैकेट में 1 ग्राम पर ml, तो दे सकता है 1 किलोग्राम पर लीटर। जैसे ग्राम पर ml है वैसे किलोग्राम पर लीटर में भी हो सकता है, और दे सकता है 1 किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब और लीटर एक ही चीज होती है, जैसे सेंटीमीटर क्यूब और ml है वैसे ही क्या है, डेसीमीटर क्यूब और लीटर। अगर कहीं पे उसने लीटर की बजाय डेसीमीटर क्यूब दे दिया ना, कंफ्यूज नहीं होना है, डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है लीटर, ठीक है। वेरी गुड, और किसी का हुआ बेटा, याद कर रखा क्या आंसर पे, 1 ग्राम पर ml। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, उसने डेंसिटी गिवन कर दिया बेटा 1 ग्राम पर ml, ठीक है। तो मोलैरिटी की डेफिनेशन हमें बताती है कि मोल्स पर लीटर कितना, जब हम किसी मोलर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये तो बात करते हैं इतने मोल्स पर लीटर। तो कितना पानी ले लूं मैं, पहले 1 लीटर तो पानी ले ही लूं, मुझे मोलैरिटी निकालनी है, जो कुछ भी करना है, तो पानी लगभग कितना ले लूं मैं, 1 लीटर तो ले ही लूं कम से कम। वॉल्यूम ले लिया मैंने 1 लीटर, इसका मास कितना हो जाएगा
वेट कितना हो जाएगा इसका, 1 kg या 1000 ग्राम, वॉल्यूम कितना 1000 ml, क्यों बराबर इसलिए क्योंकि डेंसिटी कितना है 1, डेंसिटी कितना है 1। अभी मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या फॉर्मूला होता है बेटा मोलैरिटी का, गिवन वेट, कितना वेट गिवन है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, कितना 18 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, कितनी है बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, निकाल लो मोलैरिटी, निकल जाएगी, समझ गए ना। लेकिन अब उसने डेंसिटी बदल दिया, अगला क्वेश्चन वो डेंसिटी बोलता है कि डेंसिटी इस बार ले लो भैया 0.9 ग्राम पर ml, अब बताओ मोलैरिटी कितना होगा, अब कहां चेंज होने वाला है, किस चीज में चेंज होगा, मास में चेंज हो जाएगा, कहां चेंज होगा बेटा, वॉल्यूम कितना ले लिया मैंने पानी का, 1 लीटर ले लिया, कितना ले लिया 1 लीटर, कितना पानी ले लिया बेटा, डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम, मास क्या हो जाएगा बेटा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये हो जाएगा ना, तो मास हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम कितना है इतना, डेंसिटी कितना है इतना, कितना आ जाएगा मास 900 ग्राम, मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा लो भैया, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम, कितना है सॉल्यूशन का इस बार भी, यहां से निकल जाएगा, समझ गए। अब डेंसिटी कुछ भी कर ले, वो 0.9 की बजाय क्या कर ले 0.91 कर ले, 0.92 कर ले, 0.93 कर ले, 0.8 कर ले, 0.5 कुछ भी कर लो, मोलैरिटी चेंज हो जाएगा, समझ गए भैया, याद रखने की जरूरत नहीं है उसको, क्योंकि IIT में क्वेश्चन आया था ये, जब पहली बार आया तब लोट पोट, तब नेक्स्ट टाइम में बड़ा आसान है, याद कर लो 55.555। और IIT को कौन फॉलो करता है, जितने भी एग्जाम है सब फॉलो करते हैं अगले कुछ सालों में, ये मेडिकल के हर एक एग्जाम में, ये जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज के पहले एग्जाम अलग अलग होते थे सब में यही क्वेश्चन, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। IIT में जब दोबारा से आया घूम के, उसने दे दिया फाइंड द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, डेंसिटी इज 0.9 ग्राम पर ml, और गजब की बात यह थी कि वहां पे ऑप्शन पहले नंबर पे क्या था 55.5555। ठीक है, राइट करा, आंख बंद करी, आगे चले, बड़ा आसान पेपर है ये, IIT का खेल है, 2 दिन बाद में तो पता लगेगा कि कितना खराब करी आया मैं पेपर। ठीक है, अभी देखिए मोलैरिटी के आधार पे सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं, सेमी मोलर, डेकी मोलर, सेंटी मोलर, ठीक है, लिखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन मोलैरिटी, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन मोलैरिटी, इसमें लिखिए सेमी मोलर पहला, सेमी मोलर का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, सेमी मतलब सेमी सर्कल, याद है सेमी सर्कल क्या होता है, m/2 कर लो इसको, सेमी मोलर मतलब होता है m/2। नेक्स्ट लिखिए डेकी मोलर, डेकी मोलर m/10, कैपिटल m/10। नेक्स्ट लिखिए बाई मोलर, बाई मोलर 2m। नेक्स्ट लिखिए सेंटी मोलर, सेंटी CENTI, सेंटी मोलर m/100। ठीक है, तो बेस्ड ऑन मोलैरिटी वो लैंग्वेज में दे सकता है सेमी मोलर सॉल्यूशन ऑफ दिस, या मोलर, अगर वो मोलर बोलता है तो मोलर का क्या मतलब है 1m, मोलर का मतलब क्या होगा 1m, अगर कहीं मोलर सॉल्यूशन लिख दिया तो उसका मतलब उसका मोलैरिटी कितना है 1। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए फाइंड द मास ऑफ KOH,
फाइंड द मास ऑफ के ओ एच इन 150 सेंटीमीटर क्यूब, इन 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए सेमी मोलर सोल्यूशन, ऑफ ए सेमी मोलर एक्वा सोल्यूशन। सेमी मोलर एक्वस सॉल्यूशन कितना है भाई मास निकालना क्यूएच का, क्यूएच का मोलर मास कितना होता है 56। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट 1000 वॉल्यूम सॉल्यूशन इन एमएल। मुझे मोलैरिटी कितना पता है बेटा, सेमी मोलर मतलब 1/2 गिवन वेट, यही तो निकालना है। मोलिकुलर वेट कितना होता है क्यूएच का, कितने बेटा क्यूएच का, पोटेशियम का कितना 39, ऑक्सीजन का कितना 16, हाइड्रोजन का कितना 1, कितना आ जाएगा 56। 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितना है सॉल्यूशन का वॉल्यूम, यहां से क्या निकल जाएगा, कितना है बेटा। अरे भाई साहब ये इसमें भी कंफ्यूजन है क्या, कितना लिखो इसमें, अच्छे से कैलकुलेट कर लो बेटा एक बार दोबारा चेक। ठीक है, तो मोलैरिटी का तो डिस्कशन हो गया लगभग, मैं ये मान के चलता हूँ कि मोलैरिटी आपको क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है, वैसे क्वेश्चन की तो कोई सीमा ही नहीं होती, कहीं तक भी आप जा सकते हैं, लेकिन बोर्ड के हिसाब से क्वेश्चन लगभग हमारे हो चुके हैं। वही है ना 4.2। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी कर ले, मोलैलिटी है नहीं, क्योंकि मोलैलिटी का इस चैप्टर में काफ़ी यूज है। मोलैलिटी को किससे डिनोट करते हैं बेटा, छोटा एम, यही तो है छोटा एम। कैसे इसको इसको डिफाइन करेंगे मोलैलिटी, जैसे मोलैरिटी का एक डेफिनेशन है छोटा सा मोल्स पर लीटर, क्या डेफिनेशन है, या मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वैसे इसको आप डिफाइन कर सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मेरे ना मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स को आप अच्छे से जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को उसको तो डिफाइन करने की जरूरत है नहीं। जैसे H2SO4 का एक मोल लेना है तो कितना लोगे 98 ग्राम, यूरिया का एक मोल लेना है तो कितना लोगे 60 ग्राम, यूरिया का आधा मोल लेना है तो कितना लोगे 30 ग्राम, समझ रहे ना। तो उसने कहा नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक टास्क दिया जाता है, आपको बनाना है यूरिया का
एक मोलल सॉल्यूशन, उसके लिए आपको जो जो सामग्री चाहिए बताइए, क्या क्या चाहिए। यूरिया चाहिए, लो एक यूरिया का कट्टा डाल दिया भैया। ये यूरिया है। और क्या चाहिए? एक बीकर चाहिए। पानी चाहिए बेटा? ड्रॉइंग इतनी अच्छी है अपने आप बता देती है क्या है। बताओ जी कैसे बनाओगे। 60 ग्राम यूरिया ले लिया पहले, ठीक है, क्योंकि एक मोल चाहिए ना मुझे। हमने कहा कि कितना बनाना है बेटा, एक मोलल। तो कितने मोल चाहिए सोल्यूट के? एक मोल। और सोल्यूट यहाँ पे क्या है? यूरिया। तो यूरिया का एक मोल लेना है। एक मोल कितने ग्राम का हो जाएगा इसका? 60 ग्राम का, ठीक है। ले लिया 60 ग्राम यूरिया। उसके बाद मैं एक लीटर पानी लूँ? ये ज़्यादा अच्छे कहें तो क्या कहें? एक किलो पानी, 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट क्या है यहाँ पे? वाटर। तो कुछ नहीं करना, इसके अंदर क्या ले लिया आपने? 1 kg क्या ले लो? 1 kg ले लो पानी। और यूरिया कितना ले लो? 60 ग्राम ले लो क्या? यूरिया। और फिर क्या कर दो, इन दोनों को मिक्स कर दो। ये ज़्यादा आसान है, वो जो मोलर सॉल्यूशन तैयार किया था उससे ज़्यादा इजी होता है ये बनाना, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट डिफाइन है इतना ले लो, सॉल्यूट डिफाइन है इतना ले लो। उसमें सॉल्वेंट डिफाइन नहीं था, उसमें क्या डिफाइन था? उसमें सॉल्यूशन डिफाइन था। तभी तो हमने क्या किया था, थोड़ा उसके अंदर सॉल्यूट डाल के फिर उसको पानी डालते चले गए थे, कहाँ तक? जब तक सॉल्यूशन कितना ना हो जाए, 1 लीटर ना हो जाए, ठीक है। तो ऐसे तैयार होगा, 1 किलो क्या ले लिया? सॉल्वेंट। और सॉल्यूट कितना ले लिया? जितना मोल चाहिए उतना मोल सॉल्यूट ले लिया, और उनको क्या कर लिया? डिसॉल्व कर लिया। डिसॉल्व करने पे जो सॉल्यूशन तैयार हो गया कितना हो गया? मोलल, मे बी 1 मोलल अगर एक मोल लिया है सॉल्यूट का, 2 मोलल अगर कितना लिया है? 2 मोल लिया है सॉल्यूट का। अगर 2 मोलल बनाना होता तो क्या करते बेटा, क्या चेंज करना था इसमें? 60 ग्राम की बजाय कितना ले लेते? 120 ग्राम ले लेते, ठीक है ना। देखिए इसका भी फॉर्मूला, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये तो हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स को कैसे लिख सकते हैं बेटा? गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, मोलिकुलर वेट मत बोला करो इसको भाई, इनटू 1/w। w देगा आपको ग्राम में, गिवन होगा ग्राम में, लेकिन कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? किलोग्राम में, क्योंकि यूनिट है इसकी मोल्स पर केजी। यूनिट क्या है? मोल्स पर केजी। क्वेश्चन में आपको मिलेगा ग्राम में, तो कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? किलोग्राम में। कैसे करें? 1000 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये कहाँ चला जाएगा 1000? तो फॉर्मूला क्या हो गया मोलैलिटी का? गिवन वेट अपॉन मोलर वेट इनटू 1000 अपॉन डब्ल्यू इन ग्राम। बैक हो जाए भाई, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। नोट कर लिया सर? अच्छा ये एक क्वेश्चन है, इसे हटा दूं क्या? एक तो एक मोलर H2SO4 नहीं, हमारे शरीर को जो डायरेक्ट एनर्जी देता है कौन देता है? डॉक्टर लोग भी हैं यहाँ पे, भविष्य के कुछ डॉक्टर हैं भाई, ये सारे फार्मेसिस्ट बैठे, ये 2 सॉल्यूशन है आपके पास। कई बार थकान हो जाती है, देते हैं ग्लूकोज, वो ऐड भी आते हैं ग्लूकोन डी, है ना। क्या होता है उसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट? ग्लूकोज। क्योंकि हमारे शरीर को जो डायरेक्ट एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है? कहीं से? सुक्रोज से, ग्लूकोज से। हम कुछ भी खा रहे ना तो पहले किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज में। ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगी हमको। तो आपके पास कोई बीमार आदमी है, ज़्यादा बीमार, ये मान लो कि इसको एकदम इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत है, आपके पास में 2 सॉल्यूशन है।
एक, अरे आवाज नहीं करो, एक कैपिटल एम एक स्मॉल एम, तो कौन सा ज्यादा तेजी से एनर्जी देगा, छोटा एम? अरे भाई साहब बात किस लिए कर रहे हो, क्या डिस्कशन चल रहा है ये तो मैंने एक लैंग्वेज में एक आपको बता दिया। यहाँ पे सवाल ये है कि कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा गाढ़ा होता है, गाढ़ा तो समझते हो, जिसके अंदर सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होगी, छोटा एम बड़ा एम? छोटा एम। खड़े हो जाओ बेटा, बड़े आपने कॉन्फिडेंस से आंसर दिया। कैसे, इसमें कितने मोल्स होंगे सॉल्यूट के, इसमें कितने मोल्स होंगे फिर? कोई एक्सप्लेन करेगा? यहां पे सवाल ये है कि कौन सॉल्यूशन ज्यादा गाढ़ा होता है, कैपिटल एम या स्मॉल एम? अगर सेम होते तो भाई साहब मैं पूछना, मुझे नहीं पूछना था फिर तो। एक में 500 ml लेगा, एक में 1000 ml लेगा, तो सेम कैसे हो जाएंगे भाई? मैं कह रहा कि एक में तो पानी 500 लिया, एक मोल डिजोल्व कर लिया, एक बार पानी 1000 लिया, एक मोल डिजोल्व कर लिया, तो अलग अलग होंगे नहीं होंगे? वाटर में तो डिजोल्व हो रहे दोनों, किधर कम है? बैठ जाओ, बैठ के सोचो ना, बैठ जाओ बेटा। सोलवेंट या सोल्यूट? सोलवेंट सेम कैसे भाई, इसमें कितना सोलवेंट? इसमें तो 1 लीटर तो सोल्यूशन है भाई साहब, सोल्यूट और सोलवेंट दोनों को मिला के है। अभी समझिए, इधर देखिए भैया, वाटर ले लो, इन केस हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, डेंसिटी कितना होता है, कौन होता है? इसमें वाटर कितना लिया, कितना वाटर है बेटा इसमें? 1000 ग्राम। और वो कितना है, सोल्यूट कितना है, सोल्यूट कितना है? 180 ग्राम। इसमें सोल्यूट कितना है? 180 ग्राम। पूरा सॉल्यूशन कितना है, समझ लो, तो सॉल्वेंट कितना होगा? 8, इतना ही होगा क्या? सॉरी, 820। तो पानी किसमें ज्यादा है भाई साहब, पानी इसमें ज्यादा है या इसमें ज्यादा है? इसमें ज्यादा है तो पतला हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, तो ज्यादा गाढ़ा कौन सा होता है? कैपिटल एम, याद रखना, कैपिटल एम इज मोर कंसंट्रेटेड देन स्मॉल एम, लिख लियो भाई साहब। बस आज के लिए काफी ज्ञान हो गया आप लोगों के लिए, ठीक है बेटा।